हार्ड। आज हम लोग एक ट्रांसलेशन का पैसेज लेके आए हैं जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह पूछा जा सकता है। अब आप इसको कॉपी कैसे लिखोगे, कैसे आपको अच्छा नंबर मिलेगा, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज हमारी देखो। कंप्रेंशन भी बताते हैं, लेटर भी बताते हैं, और ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा इसको हम बताते हैं पाठक स्टाइल। आइए बेटा शुरू करते हैं। स्टंजा है, देखिए पहले कैसे लिखोगे। आंसर कॉपी की यहाँ इस लाइन पर आंसर नंबर 6 बड़ा ब्रैकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा ब्रैकेट बंद। अब तीन लाइन छोड़ करके इधर हिंट्स लिखोगे। क्या लिखोगे? हिंट्स। स्टंजा क्या है? मेजर उस्मान वाला है, तो मेजर उस्मान से लेकर के पहले यहां लिख लो, मेजर उस्मान डैश डैश भूल सकेंगे ये। ठीक है, अब ऐसे लिख लिया। अब आप इसको जो स्टाइल हम बता रहे हैं उसी स्टाइल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस है, मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध वीर थे। कौन थे बेटा? मेजर उस्मान। कहता लिखना सीधे पहुंच जाना फुल स्टॉप पे, और ऐसे घन 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 नाते चले जाना वाक्य में। ठीक है, तो अब लिखना कहां से? देखिए मेजर लिखा तो एक लाइन छोड़ करके अब नीचे से लिखना बेटा, क्योंकि स्टेंजा बहुत बड़ा नहीं होगा, आएगा बेटा छोटा सा आएगा, ये स्टाइल गाना एक लाइन छोड़कर। क्या? अब लिखो बेटा मेजर उस्मान, फुल स्टॉप पे जाओ, वाज एक प्रसिद्ध वीर हमारे देश से, तो क्या हो जाएगा? ए फेमस। अब वीर की अंग्रेजी आप हीरो लिख सकते हो, वैरियर लिख सकते हो, तो क्या लगा दें? हीरो लिख देंगे, वैरियर। हीरो सरल है, मेजर उस्मान वाज ए फेमस हीरो ऑफ आवर कंट्री, हीरो ऑफ आवर कंट्री, बना दिया। ठीक है, जब पाक अब दूसरा देखो बेटा, श्री मेजर उस्मान वाज ए फेमस हीरो ऑफ आवर कंट्री, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्होंने देश की रक्षा, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। पास्ट टेंस है, कहानी है, तो पास्ट टेंस में आएगी बेटा। व्हेन, किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखो सीधे पहुंचो फरिश्ता, ये देखो बन गया। ठीक है, तो जब की अंग्रेजी क्या लगाओगे? व्हेन। अब कर्ता लिखो पाकिस्तान, लिख दिया। अब दूसरी लाइन आपको यहां से लिखनी है बेटा, ध्यान रहे यहां से। ठीक है, आक्रमण किया अटैक्ड बेटा, अटैक्ड हमारे देश पर, अटैक्ड आवर कंट्री। ठीक है, हो गया। तो क्या अंग्रेजी क्या लगा दो? कामा, उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। पैसिव स्मार्क है, उन्हें भेजा गया, फुल स्टॉप, देखते चले जाओ बन जाएगा। तो उन्हें का मतलब क्या लगा बेटा? ही वाज सेंट, पैसिव सर, ही वाज सेंट टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड, माने डिफेंस नहीं सुना, डिफेंड, डिफेंड द कंट्री, उन्हें देश की रक्षा के लिए क्या किया गया? भेजा गया। ठीक है, राजौरी के युद्ध में वह मारे गए, पैसिव वैसे बेटा, किसी ने मारा होगा ना, इसका मतलब पैसिव वैसे पास्ट इन्फिनिट टेंस का, तो क्या बना बेटा? ही वाज किल्ड, वह मारे गए ना बेटा, इन द वार ऑफ राजौरी, इन द वार, वार माने युद्ध, ऑफ
राजौरी, लगा दिया, ही वॉज किल्ड इन द वार ऑफ राजौरी, किंतु उनकी वीरता को हम भूल नहीं सकते हैं, बट नवड हम भूल नहीं सकते हैं, तो कहता क्या है हम, तो वी कैन नॉट, नवड किंतु कहने क्या लगाओगे बट, हम कहेंगे क्या लगाओगे वी कैन नॉट, नवड फॉरगेट, फॉरगेट माने बोलना, फॉरगेट हिज ब्रेवरी, हम उनकी वीरता को भूल नहीं सकते, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, किन्होंने नहीं की, उन्होंने, करता यह है सीधे जाओ फुल स्टॉप पे, उल्टा लिखते हुए जाओ बन जाएगा, क्या बना उड़े, ही नेवर केयर्ड, अब केयर की बात क्या रहता है ऑफ, ही नेवर केयर्ड ऑफ हिज लाइफ, ही नेवर केयर्ड ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, तो ही नेवर केयर्ड ऑफ हिज लाइफ, एक बार वह युद्ध में घायल हो गए, तो क्या लगाओगे वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, नोड़ा वह युद्ध में घायल हो गए, ही वॉज इंजर्ड पशुवेश, He was injured in the war. In the war. वह युद्ध में क्या हो गया, घायल हो गए, Once upon a time he was injured in the war. ठीक है, अरे भैया वह लगाया सीधे प्रश्न आप पैसे वाइस में बन गया, Once upon a time he was injured in the war. कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा पानी ले आए, तो कौन ले आया बेटा, कुछ सिपाही, ये करता लिखो सीधे पहुंच जाओ फुल स्टॉप पे बन गया, सम सोल्जर्स, ब्राट, ब्राट माने ले आए, तो वहां जगह नहीं तीसरी लाइन खेद दो, ब्राट ए लिटिल वाटर, फार हिम माने उनके लिए, नोड़ा फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, अब इतना तो मालूम होना चाहिए यार, फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्या लगा उड़ा, बिकॉज ही वॉज वेरी ना थर्स्टी बन गया, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं न पिया, बट दैट हीरो, वीर के नजर क्या लिखे थे ऊपर हीरो, तो फिर लगा दो, बट दैट हीरो स्वयं माने हिमसेल्फ, himself, नोड़ा, नहीं पिया, did not drink, ना, past tense ना, did not drink that water, बन गया, उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया, किन्होंने दे दिया, उन्होंने, ही लगाओ, फ्रेश स्टाफ पहुंचो, बन गया, देखो, He gave क्या दिया that water, He gave that water to एक दूसरे सिपाही को, to an other soldier, He gave that water to another soldier, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है,
कर्ता क्या है, उनकी मृत्यु हो गई तो उसके पहले उल्टा लिखो आफ्टर सम टाइम। यही थे पाठक स्टाइल, आफ्टर सम टाइम उनकी मृत्यु हो गई, ही डाइड, वह मर गए, नोट आफ्टर सम टाइम ही डाइड। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे, हम नहीं भूल सकेंगे ना बेटा, यानी कि यह दृढ़ता वाला वाक्य है, तो आप यहां पर वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, वी विल, अरे फ्यूचर टेंस है ना, वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूल पाएंगे बेटा, सच ए ब्रेव, ब्रेव वीर माने ब्रेव एंड काइंड माने दयालु व्यक्ति माने प्लस, वी विल नेवर फॉरगेट सच ए ब्रेव एंड काइंड पर्सन, हम नहीं भूल सकेंगे तो वी विल नेवर फॉरगेट, वी विल नेवर फॉरगेट लगा दो, सच ए ऐसे कभी कह रहे हो, सच ए ब्रेव एंड उल्टा जो सच ए ब्रेव एंड काइंड पर्सन। इस प्रकार से जब वाक्य ऐसे लिखोगे बेटा तो आपकी कॉपी बिल्कुल सजी होगी, एग्जामिनर खुश होगा, आपको अच्छा नंबर देगा। हमारी राइटिंग बनती नहीं बेटा, लेकिन आप लोग जो है समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया आपको, ठीक है बेटा, थैंक यू।